Officials Trainers Association. All Jammu Kashmir Officials Trainers Association. Continue. Come 3 minutes. Justice. We want justice. All Jammu and Kashmir Vocational Association. Equal work, equal pay. Equal work, equal pay. We want justice. Pass on. Vocational Teachers Association. We want all Jammu and Kashmir Vocational Teachers Association. We want Continue करिए ना। जो पूरे जम्मू एंड कश्मीर में अभी 2016 से काम कर रहे हैं, हमें हायर किया गया था 2016 में अंडर थर्ड पार्टीज बाय समग्र शिक्षा डिपार्टमेंट। ये जो हमारा हायरिंग हुआ था, इसका पर्पज़ ये था कि वोकेशनल एजुकेशन, जिस पे पूरे कंट्री में अगर आप देखेंगे फोकस किया जा रहा है, तो वोकेशनल एजुकेशन को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें हायर किया गया था 2016 में। एंड फ्रॉम 2016 टिल डेट वी आर वर्किंग एज वोकेशनल ट्रेनर्स। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, 2016 में जो हमारी हायरिंग हुई थी, हमें जो जॉब दिया गया था, तब से लेके आज तक 6 साल हुए हैं, हमारी सैलरी में 1 रुपये का भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। हम हर एक वो काम करते हैं जो बाकी टीचर साहिबान कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे 9th और 10th क्लास में हमारे टीचर साहिबान हैं, मास्टर साहिबान हैं, उनकी सैलरी करीबन 50, 60 एंड 70,000 रुपीज़ है। बेहतरीन काम करते हैं, और भी सैलरी होनी चाहिए, लेकिन उसके आगे और भी वहाँ पर जनरल हमारे लेक्चरर साहिबान हैं टेम्पल स्टू, उनकी सैलरी करीबन 1 लाख के करीब है। वो पढ़ाते हैं 9th, 10th और 11th, 12th को, लेकिन अगर आप हमें देखेंगे सर, हम 9th, 10th, 11th और 12th चारों क्लासों को पढ़ाते हैं, लेकिन हमारी सैलरी उनके 10% की सैलरी के भी बराबर नहीं है। इस सिलसिले में बहुत सारे जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो 2016 में बीजेपी के थे, पीडीपी के थे, उन्होंने वादा किया था आप लोगों के लिए जो पॉलिसी फ्रेम की जाएगी, आज तक पूरा नहीं किया गया। उसके बाद हमारे जो सत्यपाल जी थे, उनने भी वादा किया था आपके साथ पूरा इंसाफ होगा, यू डिजर्व जॉब पॉलिसी, आप डिजर्व करते हो, आपको हर कोई वो बेनिफिट मिले जो दूसरे टीचर्स को मिल रहा है, लेकिन आज तक वो बेनिफिट नहीं मिला। आप देखिए रिसेंटली हमारे एमएलए जी साहब जो हैं, उन्होंने आवाम की आवाज में एक अनाउंसमेंट किया था, जो कि एक ऑफिशियल हमारा अनाउंसमेंट रहती है, पॉलिसी जो एलजी साहब ने खुद वादा हमारे साथ किया है कि आप लोगों के लिए जो पॉलिसी फ्रेम की जाएगी, वो अभी तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे लिए जो पॉलिसी फ्रेम की जाए। मैं इस जुम्मन में एक बात कहना चाहता हूँ, हरियाणा में भी वोकेशनल टीचर्स काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से, रिसेंटली उनके लिए भी वहाँ पे जो जॉब पॉलिसी फ्रेम की है, खट्टर सरकार जो वहाँ पे है, उन्होंने उनके लिए जॉब पॉलिसी फ्रेम की है, उनको अदर बेनिफिट्स इंसेंटिव वगैरह सब कुछ मिलना स्टार्ट हो गया है, और उसका इफेक्ट 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट हुआ है। हम भी चाहते हैं कि एलजी साहब ने जो वादा हमारे साथ किया जॉब पॉलिसी का, उसका इम्प्लीमेंटेशन इसी साल से हमारे लिए हो जाए। थैंक यू वेरी